Mark chapter 15, verse 13. Mark 15, verse 13. पिलातुस के सामने उसने कहा, क्यों इनने क्या बुराई की है? और फिर 25, और पहर दिन चला था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा. जॉन 19 John 19:18. वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को. In 19:32. सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरों को भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे. मैथ्यू 27:46. तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलाई एलाई लामा सबद्दी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. Then Galatians 2:20. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मेरे शरीर में अब तो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए. ये प्रार्थना करते कि तू अभिषेक कर परमेश्वर, कि तेरे वचन तेरे लोगों तक पहुँचा सको और हर एक पर तेरा आशीष रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन. आज मेरा जो शीर्षक है वो है क्रूसिफिक्शन, यानी क्रूस पर चढ़ाना. पहला सवाल यह है, क्यों कर जो यहूदी लोग हैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाना? Why Jews wanted Jesus crucified? क्यों वे लोग चाहते थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए? हम एक क्रूसिफिक्शन के विषय में देखते हैं. जो क्रूस पर चढ़ाना, ये रोमन जो सरकार का उनका एक तरीका था जो हत्या करने का. जो अपराधी लोग थे वे उनको फोर्स किया जाता था कि अपना क्रूस करने पर लाद कर, और वो जो मेन रास्ता है उसमें से होकर और जहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया जाता है वहाँ पर लेकर जाए. और ये एक चेतावनी था इन लोगों के लिए. जो क्रूस था क्रोसस, ये कई तरह से वे लोग अपराधी लोगों को क्रूस पर चढ़ाते थे, जैसे यीशु मसीह के उसके दोनों हाथ पैर नीले ठोके, और कई लोगों को वे लोग रस्सी से बांध देते हाथ में. और क्या होता है, जब उतने देर तक वे क्रूस पे लटके हुए थे तो शरीर में ताकत नहीं रहता,
और वह कमजोर हो जाता है और वे लोग सांस नहीं ले पाते तो क्या होता है, वे मर जाते हैं, क्योंकि वेट उन लोग के बॉडी के उन लोग के जो लंग्स है वो प्रेस कर देता और वो अच्छी तरह से सांस नहीं लेते हैं तो इस कारण वे मर जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो रोमियो लोग रहे वे लोग बहुत रूथलेस रहे ना, उन लोग के पास वे लोग दया ही नहीं, उनके पास कुछ दया नहीं है, मेसफुल नहीं रहे कुछ नहीं, वे लोग बहुत रूथलेस रहे। और वे लोग बहुत ही नो ऐसा व्यवहार करते हैं अपराधी लोग के लिए कि इन मुश्किल होता है देखने के लिए। जो क्रूस पर चढ़ाना है एक बहुत ही शर्मिंदा और भयंकर मृत्यु है। और ये जो लोग जिसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था वे जो अन्य जाति रहे, जो रोमन सिटीजन नहीं रहे या अपराधी लोग रहे, जो कंजर्वेटिव रिबेलियस रहते हैं उनको वे लोग क्रूस पर चढ़ाते हैं। अगर हम देखें यीशु मसीह के और तो उसके वो क्रूस पर मरा, बट उसका जो मृत्यु था एक अपराधी की तरह और एक रेबल बोले और एक नौकर यानी स्लेव की तरह और एक राजा की तरह उसको नहीं वे क्रूस पर चढ़ाए जो वो अपने आप को कहा था। और यही जो इजरायली के जो लीडर लोग रिलीजियस लीडर लोग वही चाहते थे। और वे लोग कई तरह से झूठे झूठे गवाही देकर और वे लोग पिलातुस के पास लेकर आए हैं कि उसको मृत्यु की सजा मिले। और ये जो रिलीजियस लीडर्स लोग रहे वे लोग यीशु को बताया किया परमेश्वर के विरोध में बात करता कि अपने आप को वो परमेश्वर का पुत्र कहता रहा है, ईश्वर हीन। बट ये जो ब्लास्फेमी के विषय में ये जो गवर्नर था पहले तो उसमें वो पत्ति नहीं रखता था, उसके लिए कुछ नहीं था, वो कुछ मायने नहीं रखता था। बट देखेंगे कि वे लोग तीन क्राइम्स लेकर आए और हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 23 लूक चैप्टर 23 वर्सेस 1-5। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले आई गई और वे एक कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को भकाते और कैसर के कोख कर देने से मना करते हैं और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने महजो को और लोगों के से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता, पर वे और भी हड़ताल से कहने लगा, ये गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों में उपदेश दे देकर लोगों को उसकाता है। तो ये जो थ्री क्राइम्स वे लोग ये जो महाजक लोग रहे वो बताए कि एनकरेजिंग द पीपल यानी लोगों को रोमन को टैक्स भरने से इनकार करता है और वो अपने आप को राजा कहता है, यहूदियों का राजा। और फिर तीसरा रहा कि वो रायट यानी उपद्रव सारे देश में करता है। टैक्स इवेजन यानी टैक्स नहीं भरना और राष्ट्रद्रोही यानी ट्रीजन और टेररिज्म अंकल, ये तीन जो रहा इसके
कारण वे लोग भले यीशु ऐसे करता है और वे लोग पिलातुस के पास लेकर आए थे, जिससे जो पिलातुस उसे चिंतित करेगा कि हाँ ये क्या उपद्रव कर रहा है। और यही जो रिलीजियस लीडर्स लोग रहे यही लोग चाहते थे, और वे लोग क्या करे सारे लोगों को इकट्ठा करके और एक मोब की तरह उनको सबको लेकर आए और उनको कराए कि यही अच्छा रहेगा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा जाए। और जानते हो कि पायलट के पास जब लाया हूँ वहाँ पे कैसे था, तो पायलट बताता हम कोई भी इसमें गलत चीज नहीं पाया, बट ये लोग सब चिल्लाए कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। और जब पायलट पिलातुस वह जानता था कि यीशु जो कुछ बोला वह सच है और झूठ नहीं है, और वो क्या क्या वो इग्नोर कर दिया उसको। और वे लोग चाहते थे जो पायलट अब जो लोग थे और यहूदी लोग और जो महाजक लोग उन लोग के प्लीज करे करते हैं वो आज्ञा दे दिया कि उसको क्रूस पे चढ़ा। व्हेन वी इग्नोर गॉड्स क्लियर स्टेटमेंट, अगर हम परमेश्वर के जो वचन चाहे सच है या रॉन्ग है या राइट है, बट अगर हम उसको नहीं स्वीकार करते तो क्या होता है? हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना कभी कभी, हम लोग सत्य को झूठ बन कर और करके। और फिर हम देखें फिर क्या होता है उसको इसके वहाँ पे जब पायलट ने इग्नोर करके और महजक के बात सुनकर और दे दिया यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए, तब जो सोल्जर्स थे वे लोग ले जाकर और यीशु मसीह के बहुत ही खराब रूप से टॉर्चर किया, उसके चाबुक मारे 39 स्ट्राइप्स। और हम जानते हैं वो 39 स्ट्राइप में 39 मेजर डिजीजेस है, एक के कीवा मिलता है ना तो फिर दूसरा नहीं आता है। हम जानते भी हाँ लास्ट रहा कोविन जब आया था, अभी भी राइट नहीं है ये, बट हम लोग यीशु मसीह के कोड़ खाने से हम चंगे हो गए। जॉन 18:36-37, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मैं मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ, जो कोई सत्य कहा है वह मेरा शब्द सुनता है। जो सत्य है वह हम उनके जिन्हों गवाही देता है, हेल्प करता है कि हम लोग, क्योंकि यीशु कहता है मैं सत्य जीवन और मार्ग हूँ, जब हम यीशु के पीछे लेते हैं तो सब है। यहाँ पे हम देखें कि पिलातुस यीशु का ही आज स्ट्रेट क्वेश्चन और जीसस उत्तर दिया राइट से, बिकॉज वो कहता है मैं राजा हूँ बट इस देश का नहीं, इस दुनिया का नहीं। चैप्टर 19 वर्स 25-27, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपस की पत्नी और मरियम मंगनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ से कहा हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, तब उस चेले से कहा यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले आया।
हम परमेश्वर मसीह के हृदय वो जब क्रूस पे मर ही रहा था, क्रूस पे लटका हुआ था, वो अपने परिवार के लिए चिंतित था और वो देखा कि उसकी माँ वहाँ खड़ी है। सोचो थोड़ी देर के वो माँ के हृदय में क्या हो रहा है, उसके बच्चा उस क्रूस पे लटका, पीड़ा से दुख खून बह रहा है, कौन माँ देख सकता रहा, बहुत मुश्किल हो रहा तब। बट यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी माँ की ओर देखा और उस चेला के जॉन को जो वहाँ खड़ा था, सब चेले लोग छोड़ के भाग गए थे बट जॉन वहाँ पे था और यीशु जब उसके ओर देखा तो अपने माँ से कहा, माँ यह तेरा बेटा है, और जॉन से कहा यह तेरा माँ है। और उसी समय से वो जॉन था उसके माँ को अपने साथ लेके गया। हम देखे कि क्यों कर यीशु अपने भाई लोग से नहीं कहा कि इसकी माँ की देखभाल करे। इसमें हम देखते हैं कि जोसेफ जो था उसके पति वह गुजर गया था, वो नहीं था उसके माँ के, बट उसके पास भाई बहन था यीशु के, बट वो नहीं, क्योंकि वे वहाँ नहीं थे क्रूस के लिए, केवल जॉन था जो था। और इसलिए उसने जॉन से कहा, जो ने गॉस्पल लिखा है जो, उससे कहा है कि यह तेरी माँ है, और उसकी माँ से कह या तेरा पुत्र है। हम देखे एक चीज है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे भी था वह चिंतित था अपने परिवार के साथ, और वह इंस्ट्रक्ट किया है जॉन के कि अपने उसकी माँ को देखभाल करे। हमारा परिवार एक उपहार है, एक प्रेशियस गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, और हमें चाहिए कि उसको वैल्यू करो और टेक क्या करें कि चाहे कुछ भी हो जाए। क्रिश्चियन कमिटमेंट जो हम लोग कमिटमेंट हैं परमेश्वर के काम में जुटे रहते हैं, यह हमें शायद ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स से हमें दूर रहना पड़ता है, यू नो, एंड हमारा रहन सहन सब बदल जाता है, तो हम ऐसे ऐसे चीज़ों में भाग नहीं ले सकते हैं। पर हम ये न चुके कि अपने परिवार के देखभाल करें, परमेश्वर के पहली स्थान देना हमारा मुख्य काम है, बट फिर भी हम अपने परिवार को निग्लेक्ट करना ठीक नहीं, हमें उन्हें देखभाल भी करना है। और फिर हमें देखते ही क्राइस्ट कॉल्स अस टू अ हायर मिशन एंड कंफर्ट, लव ऑफ फैमिली इज द लॉ ऑफ गॉड, ये एक नियम है परमेश्वर ने दिया कि लव योर पेरेंट्स, ना अपने परिवार से प्रेम करो और उसकी सेवा। कोई एक्सक्यूज हम लोग के नहीं होना चाहिए परमेश्वर के काम करने के लिए, नहीं तो क्रिश्चियन वर्क नो क्रिश्चियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी जॉब एक्सक्यूजेस फॉर कैरिंग आउट, कोई चाहे भरे के काम या चर्च के काम कोई है, इसमें हम लोग के अपना परिवार को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और यीशु के द्वारा हम ये सीखते हैं कि वो अपने माँ को नहीं छोड़ा, वो उस क्रूस पर मरते भी अपने माँ को क्या, तो हम लोग के भी चाहिए कि अपने परिवार के भी देखभाल करें और साथ साथ परमेश्वर के अपने जुने में पहले स्थान दें। व्हाट इट मीन्स टू टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो जीसस, इसके मतलब क्या है कि अपना क्रूस उठाकर और चल। फिर हम ये देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 34-39, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर विलाप कराने को आया हूँ, मैं विलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसका पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसका घर ही के लोग होंगे। एंड जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है
वो मेरे योग नहीं और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। एंड देन चैप्टर 16 वर्स 24 तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। टेक अप द क्रूस एंड फॉलो के माने कि क्रूस उठाकर, ये नहीं कि हम जो लकड़ी का क्रूस है उसको उठाकर चले, बट नहीं, यीशु कहता है कि हमारा जो चलने है वो फर्क हो जाता है, मसीह में है हम एक नमूना बन जाते औरों को और उसके पीछे चलने का। और जब हम मसीह में आते हैं तो सब चीज राइट नहीं है, मैंने कुछ ना कुछ होते रहे, बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगी जब तक हम दुनिया में हैं, बट हमारा आँख हमारा विश्वास परमेश्वर मसीह में आना चाहिए और वो हमारे है, वही मिलता है कि हम और जो पहले हम लोग काम करते थे सही नहीं रहा वो सब त्याग कर हम मसीह के पीछे हो रहे हैं, वही है कि हम एक एग्जाम्पल हो जाए, नमूना हो जाए, लोगों देखें कि हाँ सचमुच यीशु मसीह हमारे जीवन में, हम फर्क हो जाते हैं। उसका मतलब है ये दुख मुसीबत आएगा हम सामना करेंगे, मसीह हमारे साथ रहेगा, वो हमें अगुवाई करेंगे। और हम देखते हैं कई इससे लोगों को बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह है कि ऐसा सा समय आएगा तुम्हें पकड़ा देंगे यीशु मसीह के नाम से, बोले तुम्हें प्रॉब्लम करेंगे, बट कहता है कि वो हमारे साथ रहेगा कुछ भी हो जाए, दुख मुसीबत तकलीफ या हमें या प्रिजन या कुछ भी हो जाए यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। और वो जब तक हम अपना भरोसा उस पर रखेंगे, जब हम अपना क्रूस उठाकर हम यीशु के साथ साथ चलेंगे। जो 1919 और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था यीशु नाजरी यहूदियों का राजा, जीसस ऑफ नाजरेथ किंग ऑफ द जूस। हम देखे यीशु मसीह जब वो पृथ्वी पे था तो ये दुनिया को अपना अपसाइड डाउन कर दिया अपना जो वचन रहा, और जब देव महाजक्र लीडर्स लोग रहे रिलीजियस से वो लोग देखे कि यीशु मसीह के पीछे सब चले गए तो वो लोग जरन में गया कि क्या हो रहा है। बट हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना फिर मरना जी उठना, जो शैतान है उसका रूल खत्म हो गया। जीसस सेड विक्ट्री ऑन द क्रॉस, ही रोज अगेन, और कोई जितने मरे थे कोई चिंता नहीं, बट यीशु मसीह हमारा वो जिंदा हुआ और जो शैतान का राज है उसको तोड़ दिया है ना, वो मृत्यु पर जय पाया। और आज भी हम जब उस पर भरोसा रखते तो हमारे साथ रहता है, वो हेल्प करता है और सब कुछ खत्म नहीं। यीशु मसीह राजाओं का राजा है यहूदियों के लिए और हम सब जो जो मसीह को स्वीकार किया है वो हमारे हृदय में रहता है और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा राजा है और एक दिन वो आएगा हमें ले जाने के लिए उसके साथ में राज करने के लिए। तो कितना ही अच्छा बात है कि हम मसीह में हैं और मसीह हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मरा, अपना खून बहाया क्योंकि हम सब पापी थे और प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया और हमें अपने राज में स्वीकार कर लिया है और हम एक लेखपालक पुत्र हो गए परमेश्वर के। और जब हमारा समय का हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आए हमें लेकर अपने साथ में जाएगा, हम उसके साथ में सदा के लिए राज करेंगे। जो 1930 जब यीशु ने वह सिर कर लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया।
पाप परमेश्वर से लोगों को दूर कर, बट देखिए कि पुराने नियम में ऐसा होता था कि अपने पाप के क्षमा के लिए वे लोग बलिदान करते थे जानवरों के, और जब हम लोगों की तरफ देखते हैं कि हम लोग हर वक्त देर में पाप करते रहते हैं, और इससे हर दम उनको बार बार जो सेक्रीफाइस करना पड़ता था, पर जब यीशु आया अपना प्राण जब कुर्बान किया वो सदा के लिए, फिर से कोई के जानवर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह लैम्ब ऑफ गॉड वो अपने आप को बलिदान खून बहाया कि हम मनुष्य जो है पाप से छुटकारा पाए। अब हम परमेश्वर के पास सीधा जा सकते हैं, उससे प्रार्थना में उसके पास आते हैं, और प्रार्थना करते परमेश्वर हमें सुनता है, क्योंकि रास्ता खुल गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता खोल दिया, और यही हमें करना है कि उसे स्वीकार करना है, और जब हम उसको अपने विश्वास से स्वीकार करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना का जवाब सुनता है। यीशु मसीह आया अपना कर्ज चुकाने के लिए, उसका आखिरी शब्द था, खत्म हुआ, फिनिश, इट इज़ फिनिश्ड, यानी कि जो कर्ज था पूरा भर दिया, पेड इन फुल, अब कोई कर्जा भरे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे पाप के लिए कर्जा भर दिया। और जब वो कहा मेरे पिता मैं क्यों तूने मुझे त्याग किया, थोड़े देर के लिए सोचो, उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहा उनका था प्राण दिया, वो महसूस करा कि सब को चले लो, सब छोड़ के चला गया, कोई नहीं रहा, वो अकेला उस क्रूस में रहा, और वो जो हमारे पाप सब लोगों का पाप उसके ऊपर था, और वो उसी समय सोचा कि परमेश्वर मुझे त्याग दिया, परमेश्वर त्याग नहीं, परमेश्वर वो पाप को देख नहीं सका, क्योंकि वो सब परमेश्वर मसीह के हैं, और परमेश्वर मसीह कितना महान है। आज हम बहुत ही कृतज्ञ है कि हम उसको देखा नहीं, बट हम जानते हैं, हम पढ़ते इसके विषय में, पवित्र आत्मा हमें गवाही देता है कि हम उसके जब स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, और हम उसके वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें मदद करता है, गवाही करता है। फोर पीपल, चार लोग उस यीशु मसीह के मृत्यु के समय वे लोग बदल गए। पहला रहा द क्रिमिनल डाइंग ऑफ द क्रूस, जो चोर था यीशु मसीह के बगल में, वो पश्चाताप किया, यीशु कहता आज ही तो हमारे साथ स्वर्ग में रहेगा, वो पहला रहा। फिर दूसरा रहा रोमन सोल्जर, और वो क्लेम करा कि जरूर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और तीसरा है जोसेफ और निकोडेमस, ये लोग मेंबर ऑफ जीवस जिस काउंसिल में रहा, बट वे चुपके से हर दम यीशु मसीह कह रहा है। याद है कि निकोडेमस रात के समय आया यीशु के पास, क्योंकि वे जानता था अगर ये यहूदी लोग जो महाजक लोग अगर देखेगा कि ये यीशु के साथ है तो वे लोग उनको सिनगोग से निकाल देते थे, इसलिए वे लोग चुपके। और फिर ये जो तीन चार जन निकोडेमस, ये चार जन का जीवन बदल गया जब यीशु मसीह था उनके साथ में, तब नहीं, जब यीशु मसीह क्रूस पे मर गया तब उनका जीवन में वे पहचाने कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, और उनके पापों के लिए मेरा, और वो उस समय रियलाइज करा कि यीशु कौन है, और उसके में उनके विश्वास आया, और वो प्रोक्लेमेशन कहने बताया लोगों से, और फिर एक्ट कराना, एक्शन है ना। हम लोग भी व्हेन कॉन्फ्रंटेड विद जीसस एंड हिज डेथ वी शुड बी चेंज टू बिलीव टू प्रोक्लेम एंड एक्ट। जब हम यीशु को स्वीकार करते तो हम बदल जाते हैं, यीशु यीशु हमारे हृदय में आता है, तब हमारे जब हम विश्वास करते हैं तो हमें औरों को भी बताना चाहिए, और प्रभु के लिए कुछ करना है तो व्यर्थ में नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह
आज जिंदा है, हम जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। इस ईस्टर के समय हम भूले नहीं कि परमेश्वर मसीह हमारे लिए क्या क्या है। उसके शरीर में जो खून सा सब बह गया, वह आखिरी भोजन अपने चेलों के साथ करा, फिर उसके बाद कुछ नहीं, और जब प्यास लगा तो क्या विंगा दिया। खून उस जो प्रार्थना करता रहा, जो उसका पसीना था जैसे बूंद, खून के बूंद सब गिरा, कांटों को ताया से सिर में से, फिर उसके चाबुक के बाद नीले के बाद कितना खून शरीर में से सब गया। क्यों वो गया, क्यों इतना दुख सहा, क्यों वो पीड़ा सहा, क्यों अपने आप को बलिदान करने को लिए तैयार था, क्योंकि वह हमसे प्रेम किया, हमारा कर चुका था, जो हमारे पाप है उसको माफ किया। बट जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रार्थना कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तो प्रभु क्षमा करेगा और हमें नई जिंदगी दे। आज इस तरह के समय याद करते रहे कि प्रभु हमारे कर्ज को भर दिया, और हमें चाहिए कि हमारा जीवन बदल कर और परमेश्वर के पीछे और उसकी सेवा करे। धन्यवाद परमेश्वर के आशीष रहे। हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। ये प्रार्थना कहते परमेश्वर तू हमारे हृदय को छुएगा, और हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है, अगर कोई यीशु मसीह को नहीं अपने हृदय में, आज परमेश्वर तू से बातचीत करे कि वो भी तुझे स्वीकार करके और तेरी सेवा में लग जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।